अभी बुजासी ताने आप मैं तो ये नागा जनी कांदा है रा कवित्री बिल्कुल पतली है जनी एकदम ही काजू कतली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी बच्चे हो समझ में आ रहा है कि आप वाकई कविता को सुनने वाले ही बच्चे हो। इनके साथ वाला भी यही बेटा मुठरा के लेके आया, साथ बैठ के जाना है उसे। मेरा मन कर रहा है जिस तरह आप अभी, मन तो श्रोताओं का भी कर रहा है। देखो एक तो कच्चो पेरी बैठे मान पूछ ली मुझे जी कच्चो किए फेरे हो बोले कौनटा कार्यक्रम में बरसात आ जाए तो कच्चो फेरे हो और यार बरसात का डर सू कच्चो जी बाढ़ को डर हो तो देखो देखो तस्मू में कट्ठे लगाए हो अठे आंखा पर लगाओ तो तुम माथा पर लगाए मिले अच्छा अरे भाई जी पूछ लियो अमन तीन चश्मा और वो तीन चश्मा क्या का बोले एक चश्मो दूर सु देख बापो एक चश्मो नजदीक सु देख बापो को तीसरो बोले तीसरो चश्मो लगा देखो नजदीक वालों कौन सो दूर वालों कौन सो है बड़ा अद्भुत आदमी यार। एक बात कहूं यार कविराज जी ए चश्मो लगा लियो ना बाद में छोरे तो मेरे का देख वो ही बंद कर दियो जना को चश्मो मत लगाओ बोले चश्मो नहीं लगाना बबन कौन दिखे। हाँ हो गया नहीं अब होगा नहीं अगर आपकी बात अभी और बाकी हो तो आप अभी कर लीजिए। नहीं साथ चलेंगे पर साथ मिलके करेंगे। अच्छा एक बात पूछना चाहती हूँ अगर आप लोग वाकई कविता सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर समर्थन करिए। अरे कविता सुन रहा है ना कौन गोगा जी को प्रसाद बटनों को नहीं कहीं बात ही कविता सुन रहा है भाई सर वाकई कविता सुन नहीं देख पाया है। अभी शुरुआत में ये कह रहे थे कि रायबरेली से इतने कम बजट में आई है तो मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ यहाँ के श्रोताओं के नाम करती हूँ यहाँ के आयोजक टीम के नाम करती हूँ तब सुनिएगा। स्वागत। मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं क्या बात तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। नागौर का है समस्या बीनने की ठे भी है ऐ रोजीना बुला बुला कह रहे हैं कि सारा भर दौड़ रहा है हाँ। और देखो भाई जी तो वीडियो कैसी भी बना रहा है आगे तो तेज चिंता एक भैंस बेची लिया दूध बाबा धनी और कहीं आप क्या चाहते हैं कि जवाब दूं या फिर वाकई कविता क्योंकि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं कविता सुनाऊं भाई मोटा लुगाई लड़ रहा है यहाँ भी कवियों ने बिगाड़ के रखा है जनाब बा लुगाई बोली रहे बोले बापना में तेरी मूंछ फाड़ ले शू तो वो आदमी बोले को मैं बेटे बेटे थोड़ी देख सकती हूँ ना क्यों मैं भी पाड़ी से तो आप देखो तो मैं सला थोड़ी रह जा सुनिएगा संचालक महोदय जी जी थोड़ी सी बात पर भी फटक देती है थोड़ी सी बात पर भी फटक देती है हाथ दोनों पकड़कर झटक देती है और तुम यहाँ ठोकते हो और तुम यहाँ ताल हमसे यहाँ ठोकते मंच पर ताल हमसे यहाँ ठोकते मंच पर घर में बीवी उठाकर पटक देती है राजस्थान का और आपको समर्थन कर रहे हो यार कमाल की बात है तो पड़ो बदल लियो लुकाई देख ली ये सब हमारे पटकने चटकने वाला सिस्टम नहीं है मैडम ध्यान से सुनना कि हमारे राह में आने वाली हर बाधा का क्षरण करते हैं हमारी राह में आने वाली हर बाधा का क्षरण करते हैं और हमारे दिल को भाजाए उसी का वरण करते हैं अरे हम पृथ्वीराज चौहान की धरती के हैं भरे दरबार से संयोगिता का अपहरण करते हैं भरे दरबार से संयोगिता का अपहरण करते हैं आय हाय ओहो
पट्टी नेटवर्क आए को मायदा में। सुनिएगा, इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। देखो सीधी सी बात बताऊं, घर पर रोटी रोजी नहीं खाऊं, पर होटल का खाना को मजो ही दूसरा है। क्या अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, ये करना अच्छा नहीं होता, वो करना अच्छा नहीं होता, तो इनका कच्चा पहनना कैसे अच्छा हो गया। अच्छा नहीं होता, कच्चा नहीं होता, बोल दो ये बात नहीं, थांगा मजा नहीं रहा इनडायरेक्ट। दोस्तों ये बीच बीच में हासिल तो होता रहेगा, बस दोस्तों क्योंकि मैं जवाब सवाल करके भी हासिल दे सकती हूँ, लेकिन जो पंक्तियाँ मैं लेकर आई हूँ वो पंक्तियाँ आप तक नहीं पहुँचा पाऊंगी। पूछो। हाँ, आप सुनिएगा, आप लोगों के लिए मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप छोरी बोलते हैं, प्रैक्टिकल का हम एहसास करते रहेंगे। तुम मेरे हम सफर, तुम मेरी जिंदगी, तुम